नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, हाजिर होना ही होगा सीएम केजरीवाल को। दिल्ली के कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। शराब घोटाले में ईडी के सामने नहीं हो रहे हैं पेश। ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार 15 मार्च 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में दिल्ली उत्पाद शुल्क के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा केजरीवाल के खिलाफ दायर मामले में मजिस्ट्रेट अदालत के समकक्ष कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। साथ ही उन्होंने अदालत में उपस्थित होने को लेकर छूट मांगी थी। राउजू एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीसी अधिनियम राकेश सयाल ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इसके लिए वे मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही अर्जी दाखिल कर सकते हैं। इस तरह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से करारा झटका लगा है। दरअसल अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने ईडी द्वारा दायर दो अलग अलग याचिकाओं को लेकर सीएम केजरीवाल को समन जारी किया था। कोर्ट ने उन्हें पहला समन 7 फरवरी 2024 को जारी किया था, वहीं दूसरी शिकायत पर 7 मार्च को समन जारी किया गया था। एसीएमएम इन दोनों मामलों पर 16 मार्च को सुनवाई करेगा। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत समन जारी की थी। हालांकि वे बार बार समन की अनदेखी कर रहे थे। इसके बाद ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दी थी। वहीं 17 फरवरी को केजरीवाल कोर्ट में वर्चुअली शामिल हुए थे और कहा था कि वे 16 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होंगे। हालांकि सुनवाई से ठीक 2 दिन पहले सीएम केजरीवाल ने एसीएमएम के दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए सत्र अदालत के समकक्ष याचिका दायर की थी। हालांकि कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सीएम केजरीवाल की तरफ से सीनियर वकील रमेश गुप्ता और राजीव मोहन पेश हुए। वकील गुप्ता ने तर्क दिया कि सीएम एक लोक सेवक है। वे कहते हैं कि उन्हें उनकी व्यक्तिगत क्षमता में बुलाया गया था, लेकिन मैं रिकॉर्ड में प्रदर्शित करूंगा कि उन्हें समन उस मामले में भेजा गया था जो कि उनके सीएम रहते हुए उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित है। बारन बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आगे कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे अपनी बहन की बेटी की शादी में जाना है। मैंने कहा कि मेरे अपने आधिकारिक कर्तव्य है। समन के बाद शामिल नहीं होने पर मैंने कारण बता दिया, इसलिए कोई जानबूझकर चूक नहीं कर रहा हूं। बता दें कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता पहले से हिरासत में है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ईडी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस, न्यू भारत।